दोस्तों, सभी का बहुत बहुत स्वागत है चैनल के एक नए एपिसोड में। और फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में अपनी प्रॉमिस की थी कि वॉर जो चल रहा था हमारा, करंट वॉर, उसका रिजल्ट कुछ भी हो मैं आपको रिप्लेस दिखाऊंगा। क्या हाल चाल रहा, क्या सीन रहा, मैं आपको सब बताऊंगा डिटेल्स में। तो चलिए गाइस, इस वीडियो में वॉर का जो लास्ट वाला वॉर रहा उसके डिटेल्स में मैं चलता हूं। तो गाइस, यहां पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप सब अभी सोच रहे होंगे और हंस भी रहे होंगे, डिफीट। जैसे कि हम लोग सोच ही रहे थे कि भाई वॉर तो बड़ा मुश्किल है, 11 एक से नंबर 11 तक सारे टाउन हॉल 11 थे। पर गाइस, वॉर इतना भी डिफिकल्ट नहीं था, या फिर बोल सकते इतना भी बड़ा मार्जिन ये जो दिख रहा है यहाँ पर 63-73 उतना नहीं है। अगर मैं आपको दिखाऊंगा, जैसे मैंने टाइटल में भी बताया कि अनलकीएस्ट प्लेयर कौन है, अनलकीएस्ट प्लेयर, एंड ये वॉर जो था गाइस बहुत खराब गया हमारे लिए, बहुत बहुत खराब गया। तो चलिए मैं आपको पहले स्टैट्स दिखाता हूं, तब आपको पता चलेगा कि क्यों मैं बोल रहा हूं इतना खराब गया। ओपोनेंट्स ने तो सारे के बेस जो है 3 स्टार कर दिए थे। नंबर 2 मेरा बेस था और नंबर 4 मेरे दोस्त का बेस, ये दो बेस छोड़ के उन्होंने सारे बेसेस को 3 स्टार कर दिए थे। पर हम लोग गाइस बहुत बहुत करीब थे, मैं आपको दिखाता हूं। अब एक एक करके गाइस आप काउंट कीजिए। नंबर 1 99% 2 स्टार, ओके, बहुत अच्छी बात है। ये 88% रहा, ठीक है, ये भी करीब था। ये वाला देख सकते हैं 98% 2 स्टार, चलो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे देखिए गाइस, 9 के ऊपर 96% 2 स्टार, बहुत अच्छी बात है। नंबर 10 के ऊपर 99% 3 स्टार, नंबर 11 के ऊपर 99% 2 स्टार, एंड नंबर 12 के ऊपर 84% 2 स्टार। तो गाइस, ये सारे 2 स्टार्स थे जिनकी वजह से हम लोग को वॉर हारना पड़ा। पर मैक्सिमम हायर 99% 3 अटैक्स हम लोग के अटैक गए, 96% में 1 अटैक अटैक गया, 98% में 1 और अटैक गया। तो गाइज, यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम हो गई क्रिएट, और इसी यही सबसे बेसिक रीजन है हमारा वॉर हारने का। तो चलिए मैं आपको अब कुछ अटैक्स दिखाता हूँ जो मेरा सेकंड अकाउंट है उनके जो अटैक्स है गाइज, वो देखने लायक थे। मैंने जब गौर किया बाद में आके, पहले जब मैंने ये अटैक्स देखे थे मैं तो मतलब मेरा दिमाग खराब हो गया था, पर फिर बाद में जब मैंने ये रियलाइज किया कि ये वॉर में काफ़ी लोगों का साथ ऐसा हुआ 98%, 96%, तो मैंने सोच नहीं लिया, मैं कंक्लूजन में आ गया कि भाई हमारा किस्मत ही खराब था। चलिए फर्स्ट में अटैक दिखाता हूं, नंबर 10 के ऊपर देख सकते हैं। पहले मैं आपको बेस दिखा देता हूं गाइस, बेस इतना कुछ खास बड़ा नहीं था। अब देख सकते हैं यहां पे कुछ एयर डिफेंस थे जो मैक्स लेवल्स के थे, विजार्ड टावर, आर्चर टावर, सारे टाउन हॉल 10 के लेवल के थे। पर ओवरऑल बेस ऐसा नहीं था कि 3 स्टार नहीं कर सकते। मैं टाउन हॉल 10 का प्लेयर हूं इस अकाउंट से, तो मैं आपको दिखाता हूं। मैंने ये स्ट्रेटजी लगाई थी कि गोलम्स और थोड़े विजार्ड्स और बॉलर्स की मदद से मैं 2 से 3 एयर डिफेंस मेरे को मिल जाता, मेरे को पता है। देख सकते हैं कोर में जो एयर डिफेंस थे काफी थे, काफी डेंस थे। तो यहां तक सब अटैक ठीक ठाक था, गोलम की पाथिंग अच्छी थी, बोलर्स की, क्वीन की, सब कुछ ठीक ठाक था। पॉइजन से मैंने स्लो भी किया था क्लैन कासल को, तो गाइस यहां तक सब कुछ ठीक था। पर दिक्कत क्या हुआ मैं आपको बाद में अभी बताता हूं। यहां पे देख सकते हैं काफी प्रॉपर फनलिंग हुई थी, एयर डिफेंस मैंने ले लिए थे, लगता है मेरे को जितना याद है मैंने 3 एयर डिफेंस ले लिए थे। यहां पे देख सकते हैं हील्स बेल डाला था मैंने और बम टावर वगैरह थे यहां पर कोई दिक्कत हुआ नहीं था। एक और रेज, और देख सकते हैं यहाँ पे सेकंड एयर डिफेंस भी गया, और क्वीन शायद लास्ट वाली जो एयर डिफेंस है वो भी ले लेगी। हाँ, तो यहाँ पे 3 एयर डिफेंस चले गए थे। इस पॉइंट में गाइस कोई भी बंदा बोल सकता है कि आराम से ये बेस 3 स्टार हो जाना चाहिए। मेरे पास अभी भी 2 लावा हाउंड्स थे, बहुत सारे बलून्स थे, 3 हेस्ट पेल थे, तो बहुत आराम से हो जाना चाहिए था, यही सीन था। पर हुआ क्या गाइस, मेरा जो लावा हाउंड सेकंड लावा हाउंड था वो स्प्लिट नहीं हुआ, लावा पप्स बने नहीं, और उसके मदद से हम लोग क्या कर पाए, 3 स्टार कर नहीं पाए। चलिए फिर से मैं आपको अटैक में ले चलता हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ से मैंने रोटेशनल लालू किया मैंने, तो बेसिकली अगर मैं 1 लावा हाउंड लाता तो बेटर होता, कुछ क्लीनअप ट्रूप्स, कुछ मिनियंस और कुछ बलून्स और एक्स्ट्रा लाता तो आराम से ये बेस क्लियर हो जाता। पर फिर भी अब क्या कर सकते हैं, मैंने सोचा था कि अगर थर्ड जो एयर डिफेंस है वो क्लियर ना हो तो मुश्किल हो जाएगा, इसलिए मैंने एक एक्स्ट्रा लावा लेके आया था मैं। पर अब क्या कर सकते गाइस, किस्मत खराब होने से और क्या बोल सकते हैं मैं। तो चलिए मैं आपको थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके दिखाता हूं। यहां पे अब देख सकते हैं बहुत सारे यहां पे स्केलेटन्स, एयर स्केलेटन्स जो आए थे उन्होंने पप्स को भी मार दिया, नहीं तो बेस जो है वो आराम से क्लियर हो जाता। पर जो मेन प्रॉब्लम था वो है जो सेकंड मेरा लावा था वो स्प्लिट नहीं हुआ, तो ये बेसिक दिक्कत रही इस अटैक में। मैं फिर से जाकर, और कुछ आर्चर्स थे मेरे पास थे कुछ आर्चर्स जो मैंने बिल्डर हार्ट जो कॉर्नर के थे उनको क्लियर किया था, पर फिर भी लास्ट मोमेंट में 2-3 सेकंड एक्स्ट्रा चाहिए था मेरे को जो कि अवेलेबल नहीं था मेरे लिए, और 3 स्टार कर नहीं पाया इस बेस को मैं। पर फिर भी गाइज इतना, तब ये अटैक जो किया था मैंने बहुत पहले कर दिया था, वॉर शुरू होते बहुत पहले कर दिया था, तो फिर भी बैकअप थे हमारे पास। पर गाइज लक जब खराब होता है तो ऐसे ही होता है, सारे अटैक्स एक के ऊपर बहुत सारे 99% 98% ऐसे अटक गए और बेसिकली हम लोग वॉर जीत नहीं पाए। तो चलिए मैं फिर से आपको सेकंड अटैक दिखाता हूं, अब जो फिर से 99% रहा। ये बहुत अच्छा अटैक गया था गाइज, बहुत अच्छा अटैक गया था। जो भी टाउन हॉल 10 के प्लेयर्स थे, ये तो बहुत ही फेमस अटैक है, मैं आपको दिखाता हूं एक बार ये अटैक। ये नंबर 2 वाला जो रिप्ले बेस जो है वो काफी अच्छा डिजाइन था, देख सकते हैं इन्फर्नोज नहीं थे, पर बाकी पूरा जो बेस है वो काफी अच्छा बेस था।
तो यहाँ पे मैंने क्वीन चार्ज लालू किया था, देख सकते हैं यहाँ से मैंने क्वीन ड्रॉप किया और फाइव हीलर्स दिए थे मैंने क्वीन के ऊपर। अगर मेरे क्वीन की लेवल 35 या फिर 40 होती तो आराम से ये बेस जो है 3 स्टार हो जाता, पर 30 लेवल की क्वीन की वजह से टाइम का जो प्रॉब्लम है वो क्रिएट हो गया। यहाँ पे मैंने सोचा था कि किंग की मदद से कुछ ट्रैश बिल्डिंग जो थे साइड में स्टोरेजेस तो से वो फटाफट मैं क्लियर करूँ, पर हुआ ये कि सीसी निकल गया, बहुत जल्दी सीसी निकल गया और किंग को उसने डाउन कर दिया। इसकी वजह से थोड़ा जो एक्स्ट्रा परसेंटेज मेरे को मिलता किंग की वजह से वो मिल नहीं पाया, पर फिर भी कोई बात नहीं थी गाइस। इस पॉइंट तक तो अटैक बहुत अच्छा चल रहा था, देख सकते हैं क्वीन की एंट्री बहुत अच्छी थी और सेकंड लेयर ऑफ वॉल्स जो है वो भी ब्रेक कर दिए थे वॉल ब्रेकर्स ने। सीसी को मैंने काफी अच्छा काउंटर किया था, देख सकते हैं यहाँ पे आराम से मैंने सीसी को काउंटर किया। पर अब जो सीन है, मैं थोड़ा वेट कर रहा था कि अगर मेरे को ये एक एक्सबो और मिल जाता और एनिमी क्वीन मिल जाती उसके बाद मेरा अटैक जो है वो काफी स्मूथ काफी आराम से चलता। तो यहाँ पे देख सकते हैं जैसे एंट्री ली क्वीन ने यहाँ पे थर्ड रो में और यहाँ पे उसने क्वीन को भी डाउन किया, एनिमी क्वीन को और एक एक्सबो को। तो इस पोजीशन में मेरे को लग रहा था कि आराम से ये बेस जो है क्लियर हो जाएगा। मेरे पास 18 बलून्स, 2 लावा हाउंड थे और सीसी में एक और लावा हाउंड था जो कि आराम से हो जाता। और रोटेशनल लालो मेरा बहुत फेवरेट है, रोटेशनल लालो मैं आपको दिखाऊंगा अभी कैसे मैंने स्टार्ट किया था रोटेशनल लालो। तो इस पॉइंट तक मैंने बहुत ज़्यादा होल्ड कर दिया था वैसे अपनी क्वीन चार्ज को, ज़्यादा होल्ड कर दिया था। मैं अगर थोड़ा 10 सेकंड भी पहले मैंने शुरू कर दिया होता मैंने ये लालो पोर्शन, तो शायद ये टाइम की जो कमी थी वो नहीं होती। पर फिर भी अब जब लग खराब होता है ऐसे ही होता है, मैं बार बार ये मेंशन कर रहा हूँ लग के बारे में, पर ऐसे ही लग रहा है मेरे को क्योंकि इतने सारे 90% हायर 90%, तो अब क्या बोल सकते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे एयर स्केलेटन्स निकले थे, पर इतनी बड़ी दिक्कत हुई नहीं थी यहाँ तक, तो कोई बड़ी दिक्कत नहीं हुई थी। लावा हाउंड्स अभी भी मेरे ठीक ठाक थे और बलून्स तो बहुत सारे थे, एस्पिल भी मेरे पास थे, तो बेस आराम से क्लियर हो रहा था। क्वीन चार्ज अभी भी क्वीन आराम से फुल हेल्थ में थी, 2 हेस्पेल अभी भी मेरे पास बचे हुए हैं। तो देख सकते हैं आप आराम से मेरा जो अटैक वो स्मूथली चल रहा था। कुछ बलून्स मैंने बचा के रखे थे ताकि ये एयर डिफेंस को मैं नॉकआउट कर सकूं, काफ़ी बाहर था ये एयर डिफेंस। तो इस पोजीशन में आप देख सकते हैं गाइस कि कितना मस्त गया था अटैक, आराम से अटैक जो है वो 3 स्टार होने लायक था, पर फिर भी लास्ट में एक गोल्ड स्टोरेज गाइस, एक गोल्ड स्टोरेज की वजह से हम लोग ने 3 स्टार कर नहीं पाए और ये जो अटैक है ये भी फिर से 99% में अटक गया। तो अब फास्ट फॉरवर्ड करके दिखा देता हूं मैं, क्योंकि सारे डिफेंस बिल्डिंग डाउन हो चुके हैं और सारे बलून्स भी एक ही तरफ आ चुके थे, इसीलिए थोड़ा टाइम ज्यादा लग गया। पफ्स भी इसी तरफ थे, यहां पे देख सकते हैं सिर्फ एक लावा पफ बचा हुआ था, क्वीन को भी वॉल ब्रेक करने में टाइम लगा। तो क्या बताऊं मैं, बहुत ही खराब लग रहा था मेरे को इस पॉइंट में, क्योंकि मेरे को पता था कि ये वॉर मैं दिखाने वाला हूं, रिप्लेस दिखाने वाला हूं। मैंने पूरा कोशिश किया कि अच्छे अटैक्स करूं वगैरह वगैरह करूं, पर फिर भी थोड़े के लिए चूक गए हम लोग। पर कोई बात नहीं गाइस, और भी आगे वॉर्स आते रहेंगे और ये जो वॉर के ऊपर मैं वीडियोस बनाता हूँ ये मेरी फेवरेट सेगमेंट है, और बाकी जो भी वीडियोस बनाता हूँ उतना खास मेरे को अंदर से इतना अच्छा नहीं लगता। जो मैं अटैक शेयर करता हूँ या फिर जो स्ट्रेटजीज मैं शेयर करता हूँ उसमें मेरे को ज़्यादा पसंद आता है। और गाइज एक नोटिफिकेशन छोटा सा मैं दे देता हूँ कि मेरे क्लैन में भी थोड़े स्पेस है, तो अगर आप लोग वॉर खेलना चाहते हैं, अगर आप वॉर प्लेयर हैं और 9 या फिर टाउन हॉल 9 या फिर 10, ये दो मैं एक्सेप्ट करूंगा। और अगर आप टाउन हॉल 9 के प्लेयर हैं आपके क्वीन किंग क्वीन के लेवल 20 प्लस होना चाहिए, अगर आप टाउन हॉल 10 के प्लेयर हैं आपके क्वीन क्वीन के लेवल 30 प्लस होने चाहिए। अगर आप एलिजिबल हैं आप आ सकते हैं। अब गाइज मैं अपना अटैक दिखाना चाहता हूं, जो मेरा मेन अकाउंट का अटैक था। एक अटैक मैंने नंबर 1 पे किया था जो कि काफ़ी डिफिकल्ट बेस था और 3 स्टार स्ट्रेटजी थी, इसीलिए 1 ही स्टार मेरे को मिला। पर नंबर 3 के ऊपर मैंने 3 स्टार स्कोर किया था। मैं आपको वो अटैक दिखा देता हूं जो नंबर 3 के ऊपर मैंने किया था, वो क्वीन चार्ज हॉग राइडर था, मास हॉग राइडर। बेस देख सकते हैं, बेस डिसेंट बेस था, ऐसा कोई नहीं है वीक बेस था, बेस अच्छा था, ईगल आर्टिलरी नहीं था, ये एक पॉजिटिव था मेरे लिए। तो मैं आपको थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके दिखाऊंगा। पहले यहाँ पे क्वीन चार्ज स्टार्ट किया मैंने, उससे पहले मैंने मिनियन से थोड़ा क्लीन अप कर लिया था ताकि क्वीन जो है रोटेट ना हो अंदर जाए। तो यहाँ पे फर्स्ट लेयर जैसे ही विजार्ड टावर डाउन होता है मैंने वॉल ब्रेकर से ब्रेक किया और एक बार क्वीन एंट्री हो जाती है उसके बाद कोई दिक्कत थी नहीं इस बेस में। और देख सकते हैं यहाँ पे इतने सारे आर्चर टावर पॉइंट डिफेंस थे, यहाँ पे आराम से हॉग राइडर्स ने बहुत एकदम मतलब क्या बताऊं जबरदस्त अटैक था ये, काफ़ी पसंद आया मेरे को ये अटैक। वॉल ब्रेकर्स ने बहुत अच्छा काम किया था और क्वीन चार्ज जो थी काफ़ी स्ट्रॉन्ग क्वीन चार्ज थी यहाँ पे देख सकते हैं, और हॉग राइडर्स डबल फिंगर टैप जो बोलते हैं हम लोग मैंने यहाँ पे डिप्लॉय किया था। और इतने सारे हील्स मैक्स हॉग्स तो रोक पाना बहुत मुश्किल होता है ऐसे बेसिस पे, और ऐसे कॉम्पैक्ट बेसिस में हॉग्स बहुत प्रीफर करता हूं मैं। और कुछ सीसी के पास सीसी में हॉग्स थे मेरे जो मैंने बाद में डिप्लॉय किया यहां पर, तो काफ़ी अच्छा अटैक गया था। वार्डन की एबिलिटी मैंने यहां पे यूज़ करी ताकि इन्फर्नो टावर के सामने मैं हील स्पेल यूज़ ना करूं, फिर भी यहां पे जायंट्स बम बहुत सारे जायंट्स बम थे, तो लास्ट एक रेज बचा था जो मैंने यहां पे डाल दिया और आराम से इस बेस को हमने क्रश कर दिया, क्रश बोल सकते हैं। देख सकते हैं मेरे पास अभी मेरा जो किंग है फुल हेल्थ में है, मेरा वार्डन, मेरे सारे हीरोज फुल हेल्थ में है, उसी के साथ इतने सारे हॉग्स बचे हुए, हीलर सारे बचे हुए हैं, तो एक तरीके से मैं बोल सकता हूं कि इस बेस को मैंने क्रश कर दिया था एकदम। तो काफ़ी अच्छा अटैक था ये, अटैक मैंने जब किया मेरे को काफ़ी कॉन्फिडेंट था मैं, पर इनिशियली अटैक्स तो काफ़ी अच्छे शुरू किए थे हमने, पर लास्ट में बहुत सारे 90% में हम लोग अटक गए, इसीलिए वॉर जो है वो जीत नहीं पाए। पर कोई दिक्कत नहीं गाइज, आने वाले टाइम्स में और वॉर्स हम लोग खेलते रहेंगे और अच्छे अच्छे अटैक्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करता ही रहूँगा। तो गाइज इस वीडियो में बस इतना ही, और
आने वाले टाइम में आपको और अच्छे वीडियोस मिलेंगे, स्ट्रेटजीज के ऊपर मैं आप फोकस ज्यादा करने वाला हूं। तो आप प्लीज कमेंट्स में बताइएगा कि आपको किस टाइप की वीडियोस ज्यादा चाहिए। मैं अब सोच रहा हूं कि आने वाले टाइम में मैं ज्यादा फोकस करूं वॉर्स के ऊपर, अच्छे वॉर स्ट्रेटजीज, वॉर अटैक्स या फिर मल्टीप्लेयर में अटैक्स, मतलब मैं बेसिकली अटैक्स के ऊपर फोकस करना चाहता हूं। तो मैं ये रिक्वेस्ट करता आप लोगों से कि आप कमेंट्स कीजिए कि आप क्या चाहते हैं कि मैं ज्यादा अटैक्स जो है वो कवर करूं, ज्यादा फोकस जो है वॉर पे रखूं, प्लीज मेरे को बताइएगा। तो गाइस बस इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए अच्छे रहे, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बाय बाय, जय हिंद। I have you now.